अभी से ही ऐसे दिक्कत है तो क्या वार्ता करें इनसे हम आप यहाँ बैठने में दिक्कत है आपको। अगर आप हमारे बीच में बैठने में भी खतरा रहे हैं, आपको हमारे शरीर में से बदबू आ रही है तो कोई बात नहीं, आप अंदर बैठे, हम रोड पर रहेंगे। पुलिस प्रशासन से हमने बता दिया अब कि इनको अंदर उन्हें रखो, हम रोड पर रहेंगे। ये गलत है पंचायत का, आप अपमान कर रहे हैं पंचायत का। सरेआम आप अगर पंचायत में बात करने के लिए आए हैं तो आप यहाँ पर बैठे करने के लिए आते हैं, बात करने के लिए नहीं आए तो फिर आप जा सकते हैं, आपको हमें आपकी कोई जरूरत भी नहीं है। पंचायत में अगर अधिकारियों को बैठने में दिक्कत है तो हम ये समझते हैं फिर कोई मीटिंग का कोई फायदा तो है नहीं। खुले में वार्ता करना चाहते हैं प्रशासन के जो प्राधिकरण के अधिकारी आए हैं उनको हमारे बीच में बैठने में दिक्कत है। एसी खड़े हैं वो खड़े फिर इनको क्या बैठा है बेचारे ने, वो सीनियर है तो भाई वो घने ऊंचे पद पर बैठने वाले तो कुर्सी में बैठा है, आप भी तो हमारे बीच में बैठते हो ना, बात मत करो। अगर आप किसी को मना बोलू करके कान पे बैठा हो तो झूठ आना उड़ा रहा बनाए रखेंटी यही बैठेगी, सारी कोर कमेटी यही बैठेगी, कोर कमेटी यही बैठेगी, हम चर्चा आगे करेंगे, सारी कोर कमेटी यही बैठेगी। हमने महाप्राप कर लिया तो वार्ता के रास्ते ये बंद कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, सही बात है। हमारे रास्ते दरवाजे वार्ता के हमेशा खुले रहते हैं और इसीलिए हमने वार्ता का वह रास्ता आज भी खुला रखा। हमने आज भी ये कहा कि हम महापड़ाव करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी अधिकारियों के पास कुछ हो तो आकर के यहाँ पर अपने उस बात को बताएं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन आज की जो पोजीशन है आप सबने देख ली, अब हमें महापड़ाव तो है ही है, लेकिन जो आज ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके बाद हमें क्या डिसीजन लेना है, ये पूरी समिति अभी डिसीजन लेगी, जो कार्य समिति है कि हमें क्या करना है। संगत बीमारी है भाई, एकदम आराम से रुक जाओ, कार्य समिति सभी नहीं रहेगी।